हेलो एवरीवन, दिस इज लक्ष्य फ्रॉम फ्यूजन फूड। आज मैं आपके सामने एक और मजेदार और शानदार रेसिपी लेकर के वापस से कम बैक करा हूँ। पिछली रेसिपी में मैंने आपको बताया था कैरेमल फ्रेंच टोस्ट आपको कैसे बनाना है, तो अब मैं आपको उसका बेस बताऊंगा कि उसका बैटर कैसे बनाना है, आप अपने घर के अंदर कैसे बैटर बना सकते हैं। और उसके तो हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रीडियंट चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में ध्यान से देखना और वीडियो को एंड तक देखना। तंबी ले रखे हैं, यहाँ पे हमने दूध लिया है, ये 2 लीटर है, लेकिन हम इसको 750 ml लेंगे। इसके अंदर मिल्क और इक्वल क्वांटिटी के अंदर हम कुकिंग क्रीम लेंगे। 750 मिल्क, 750 कुकिंग क्रीम एंड 10 अंडे लिए हमने। यहाँ पे हमने डार्क ब्राउन शुगर ली है। डार्क ब्राउन शुगर हमने इसलिए ली है जिससे कि उसका बहुत ही अच्छा कलर और टेक्सचर निकल के आता है जब हम बैटर को ब्रेड के अंदर डिप करते हैं। यहाँ पे हमने 15 ग्राम सिनेमन पाउडर लिया है जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर इन्हेंस करता है जब भी हम कुकिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर इन्हेंस करता है। तो हम सारे इंग्रेडिएंट्स को, ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, 5 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर लगते हैं बनाने के लिए। अब हम इसको सबको एक साथ मिक्सअप कर देंगे। तो अब हम सारे के सारे आइटम जो हमने 5 आइटम्स थे हमारे, अब हम इसको वेट करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कितने कितने क्वांटिटी में आपको कुकिंग क्रीम हमने इक्वल क्वांटिटी 750 ग्राम्स कुकिंग क्रीम, आप अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को आधा कर लीजिए। जितना भी आपको बनाना है आप उतनी क्वांटिटी इसके अंदर लेस कर लीजिए। 750 हमारी कुकिंग क्रीम है। अब हम इसको जीरो करेंगे। 750 ही हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे और जब आप इसको घर के अंदर फ्रेंच टोस्ट के अंदर, आप इसको नॉर्मल किसी भी ब्रेड के साथ भी डिप कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर देगी, बहुत ही अच्छा। ये हमने सिनेमन जो हमने ली थी 15 ग्राम्स, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। 400 ग्राम्स ब्राउन शुगर, हमेशा शुगर को ऐसे क्रश करके डालना है अदरवाइज इसके अंदर लम्ब्स पड़ जाते हैं, तो शुगर को हमेशा ऐसे ब्राउन शुगर के अंदर लम्ब जल्दी पड़ जाते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे क्रम करके डालेंगे। अब एट द लास्ट हमने जो 10 अंडे ब्रोक करे थे, अंडों को हमेशा बाउल के अंदर ही करना, कभी कभी क्या होता है अंडे के शेल्स चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, इसलिए 3 अंडे 4 अंडे तोड़ो और अच्छे से देखो कोई शेल तो नहीं है, फिर उसके बाद उसको किसी के अंदर भी डालना है तो उस चीज़ के अंदर उसको डालो, नहीं तो अगर शेल चला गया तो खाने में बहुत ही गंदा टेस्ट आता है और आपका वो चीज़ पूरी डिस्ट्रॉय ख़राब हो जाएगी और आपका खाने का भी मन नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए। अब एट द लास्ट ये हमारा बैटर रेडी है बनने के लिए, अब बस हमें इसको विस्क करना है। तो उसका बैटर रेडी है, ये देखिए इसकी जो थिकनेस है वो इतनी रहनी चाहिए। शुगर एकदम हमारी डाइल्यूट हो चुकी है और कलर भी एकदम बिल्कुल चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ शुगर, क्योंकि हमने डार्क ब्राउन शुगर यूज़ करी है। आप इसके अंदर लाइट ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। डार्क ब्राउन शुगर मैंने इसलिए यूज़ करी क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर देती है आपके खाने के अंदर, जब भी आप ब्रेड को इसके अंदर डिप करेंगे और बाद में टोस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर और क्रंचीनेस भी बहुत अच्छा देती है। सो गाइज, दिस इज़ रेडी फॉर आवर बैटर। तो मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, इसको दबाना कभी ना भूलें, ठीक है। और लाइक करो यार, शेयर करो, कमेंट करो, भाई को थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट करो कि थोड़ा सा और भी अच्छी अच्छी वीडियोज में आपके लिए लेकर के आया हूँ और आगे भी आपको बताऊँगा कौन कौन सी अच्छी अच्छी वीडियो। आप मेरे को आप मेरे YouTube चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं जो भी वीडियोज़ आपको चाहिए, तो मैं जितना जल्दी हो सकता है आपके लिए वो वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।